प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर होंडा ड्रीम नियो अपनी फिल्म का सुपरस्टार रेडियो पार्टनर 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स कर्टन रेजर एपिसोड। ईटीवी नेटवर्क और होंडा ड्रीम नियो की ये पहल उन लोगों को सम्मानित करने की कोशिश है जो लोग हमारी आपकी तरह ही हैं, लेकिन उनके कारनामे बेमिसाल हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको मिलवाया राजस्थान की मिट्टी से निकले हमारे दो सुपरस्टार से। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और लोगों की अनूठी कहानियों की। पांच हजार सालों पहले बसी सभ्यता आज देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये पहल है उन लोगों को सम्मानित करने की जो लोग हमारी और आपकी तरह ही हैं, लेकिन इनके कारनामे बेमिसाल हैं। पर ऐसे खास लोगों को भीड़ में से चुनना बेहद मुश्किल था, और इसीलिए हमने बनाई समाज के कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की टीम जिन्होंने राजस्थान के सुपरस्टार्स का चयन किया। आइए देखते हैं कौन है ये लोग जिन्हें सौंपा गया था ये कठिन काम, और क्या पैमाने थे जिन पर कसा गया हमारे इन विजेताओं को। बदल रहा है देश, बदल रहा है राजस्थान। सैकड़ों सालों की सभ्यता और संस्कृति के रंग से आज राजस्थान देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसके पीछे सैकड़ों आम लोगों की मेहनत और बेमिसाल कोशिशें छिपी हैं। और ईटीवी राजस्थान का ये प्रयास है ऐसे ही छुपे हुए प्रतिभाशाली लोगों को एक ही मंच पर लाकर उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर गर्व की मिसाल को आगे भी कायम रख सके। और ये सब मुमकिन होगा ईटीवी राजस्थान के प्रयास राजस्थान के सुपरस्टार्स से। एक ऐसा मंच जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सालों साल समाज की उन्नति के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का मनोबल तो बढ़े ही, साथ ही वो देश की तरक्की में भी अव्वल रहे। राजस्थान के 33 जिलों से ईटीवी की टीम ने यूं तो कई रोमांचक लोगों की कहानियों को खोज निकाला, मगर मुकाबला कड़ा था और सवाल एक ही, आखिर इतने नॉमिनेशंस में से कितने लोगों को राजस्थान के सुपरस्टार्स का ताज मिल पाएगा। इस मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए ईटीवी राजस्थान ने 5 जूरी सदस्यों की टीम का गठन किया, ताकि हजारों की एंट्रीज में से वो 10 नाम आपके सामने लाए जा सके जो इस सम्मान के असली हकदार हैं। हमारी जूरी टीम के पहले सदस्य हैं श्री जगदीश चंद्रा, जो 90 के दशक में पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इन दिनों वो ईटीवी नेटवर्क हिंदी और उर्दू चैनल के सीईओ हैं। इस तरह का प्रयास ईटीवी ने राजस्थान में पहली बार किया है। इसका उद्देश्य ये है कि राजस्थान के गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी में जीवन की विविध क्षेत्रों में जो छिपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनको हम आगे लाएँ, उन्हें हम सम्मानित करें, और जो अनसंग हीरोज हैं राजस्थान के उन्हें जनता के सामने लाएं। मुझे आशा है कि हमारा प्रयास सफल रहेगा। इस मुश्किल सफर में जूरी टीम के अगले सदस्य हैं जाने माने डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े योगदान के चलते कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। आज ऐसी ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं जिनके विषय में आम लोग नहीं जानते, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देता हूँ, और इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे आए। जूरी टीम के तीसरे सदस्य हैं श्री राजीव अरोड़ा, जो राजस्थान फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और काफी समय तक हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने में इनका जबरदस्त योगदान रहा है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारी प्रतिभाएं आपके सामने हो, और ये सब ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। इनके काम को दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, और आज ईटीवी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स को सम्मानित करने का। ये सारे के सारे बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं, तो न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जूरी के सभी साथियों के लिए बड़ा मुश्किल था कि हम किसको ज़्यादा नंबर दें।
हीरों को परखने के लिए श्रीमती कमला पोद्दार ने भी नॉमिनीज की लिस्ट को जांचा और परखा। अपने इंस्टीट्यूट के जरिए पिछले 15 सालों से कमला पोद्दार ने देश के कई युवाओं का भविष्य संवारने का काम बखूबी निभाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सपोर्ट होते हैं, सिस्टम सपोर्ट होता है, मनी सपोर्ट होता है, लेकिन आज के प्रोफाइल में कुछ ऐसे प्रोफाइल थे जिनको रियल में हैट्स ऑफ करने का मन करता कि अगेंस्ट ऑल ऑड उन लोगों ने अचीव किया है। 5 जूरी सदस्यों की टीम के आखिरी सदस्य हैं जाने माने लेखक श्री नंद भरद्वाज, जो हिंदुस्तान में रहते हुए कई मशहूर किताबें लिख चुके हैं और राजस्थान के सुपरस्टार्स के पड़ाव पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है और इससे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, उनको और ज़्यादा एक उत्साह मिलेगा और नए लोग आएंगे उससे और बेहतर काम। जनता को करना होगा थोड़ा सा इंतजार, बस आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को करवाएंगे रूबरू हमारे विजेताओं और उनके जबरदस्त कारनामों से और उठाएंगे पर्दा उनकी संघर्ष भरी जिंदगी से। आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स की कुछ बेमिसाल कहानियां। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी ऐसे साधारण लोगों का असाधारण सफर जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। पारंपरिक माहौल में एक शख्स ने राजस्थान की पहली आईटी कंपनी डेटा इंफोसिस की नींव रखी। अजय डेटा, जो खुद एक साधारण से परिवार से आते हैं, पर अपनी मेहनत और लगन की बदौलत 2004 तक पूरे देश में इन्होंने 18 आईटी सेंटर्स की शुरुआत की और रोजगार को बढ़ावा दिया। हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं, ऐसी ही सोच रखने वाले और राजस्थान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अवगत कराने वाले ये शख्स हैं अजय डेटा। अजय का जन्म अलवर के एक आड़तिया परिवार में हुआ। सरकारी स्कूल में टाट पर पढ़े अजय पढ़ाई में एक आम बच्चे की तरह ही थे। ज्यादा बचपन भी अनाज मंडी में खेलते हुए ही बीता। माँ बाप का पढ़ाई की तरफ ज्यादा झुकाव के कारण अजय ने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, मगर अजय का मन पढ़ाई में कम और खेलों में ज्यादा रहा। जन्म अलवर में हुआ क्योंकि अस्पताल जो अच्छे हैं वो अलवर में ही हुआ करते थे, तो जन्म के लिए जन्म स्थान जैसे कहेंगे तो अलवर है, लेकिन फैमिली जो है वो खैरतल की है। खैरतल में ही पढ़े लिखे हैं, पहली क्लास से लेकर के और 11th क्लास तक खैरतल में ही पढ़ाई की है। बहुत ही गाँव वाला जो परिवेश है वो मानिए, सारी पढ़ाई उसी के अंदर उसी परिवेश में उसी गाँव के माहौल में ही पूरी पढ़ाई हुई है। अजय डेटा का आईटी में आना भी एक इत्तेफाक ही था। टीचर द्वारा मिले एक चैलेंज और कंप्यूटर साइंस करते हुए कई अधूरे तारकों के कारण आईटी में रुचि बढ़ी। ग्रेजुएशन के बाद अजय यूएस की न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमबीए की पढ़ाई की। पढ़ाई के जुनून ने उन्हें नेदरलैंड भी पहुँचाया, जहाँ अजय ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में PhD की। हौसला बुलंद था और इरादे नेक। कुछ अपने जैसे जुनूनी लोगों के साथ 18 अप्रैल 1999 में डेटा इंफोसिस का जन्म हुआ। 1999 में सरकार द्वारा आईटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही इन्होंने राजस्थान की पहली आईटी कंपनी डेटा इंफोसिस की नींव रखी। पूरी टीम की मेहनत और लगन की बदौलत 2004 तक पूरे देश में इन्होंने 18 और सेंटर्स खोले और रोजगारी को बढ़ावा दिया। उनको शुरू से ही कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था। जिस वक्त कंप्यूटर जगत के अंदर में लोग जानते नहीं थे, उस वक्त से उनको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था और वो कंप्यूटर को ही एक तरीके से उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ही कंप्यूटर थी। और सन 99 में जैसे ही गवर्नमेंट ने कंप्यूटर को ओपन किया कि कोई भी इंटरनेट खरीद सकता है और प्राइवेट कंपनी आ सकती है, उस वक्त उस बिज़नेस की 1% भी नॉलेज नहीं होने के बाद भी जो हमारा फैमिली बिज़नेस ऑयल का है वो छोड़ के उनने कंप्यूटर को चुना, क्योंकि उसके अंदर में उनका एक बहुत बड़ा पैशन था। आईटी के काम का जुनून इस हद तक सवार था कि कई बार 5-5 दिन तक घर जाना नहीं होता था। परिवार से मिले सहयोग के चलते ही आज ये कंपनी छोटी सी टीम से बढ़कर 700 एम्प्लॉइज की एक बड़ी कंपनी बन चुकी है।
लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना ही इनकी सोच थी और उसी लीख पर चलते हुए आज ये राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी आईटी कंपनी बनने का गर्व महसूस करती है। शुरू में 4-5 साल जरूर ऐसे निकले जहाँ पे हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए, बाहर नहीं जा पाए, बहुत सारी इच्छाओं जिनको पूरी नहीं कर पाए, पर अलग अलग तरीके से अपनी इच्छा को पूरी कर लेते थे। दिल्ली इनका बहुत जाना रहता था और मेरा पीहर है वहाँ पर, तो इनके साथ में जाती थी, साथ में आती थी, सिर्फ इसलिए ताकि 3-4 घंटे रास्ते में हम दोनों को इकट्ठा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए मिल जाए। कई बार ऐसा हुआ कि कई कई दिन तक ये घर नहीं आ पाते थे तो ऑफिस जाके बैठ लेती थी, साथ में गए 2 घंटे वहाँ बैठ गए, खाना वहाँ पे ले गए, खाना वहाँ पे खा लिया। इस तरीके से बहुत सारे हमारे मोमेंट्स हैं जो हमने एंजॉय करे। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद आज भी वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं। सही समय पर सही मेहनत का परिणाम है डेटा इंफोसिस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, उनकी ये मेहनत ही औरों को भी सही राह पर चलने पे प्रेरित करती है। सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़कर चलना, शायद ये ही उनकी सफलता का राज है। बुलंद हौसलों की बेमिसाल कहानियां और भी हैं, कहीं मत जाइए, हम लौट कर आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। आज जहां हमारे आपके पास अपने और अपने परिवार तक के लिए समय नहीं है, वहीं आशीष खत्री ने पर्यावरण को सहेज कर उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। पर्यावरण की सुरक्षा दरअसल आज हम सबके लिए एक अहम विषय है। भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में हमारे आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल रखना लगभग असंभव है। इसका नतीजा ये है कि हम और आप आज बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर इस सब के बीच कोई है जिसने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक अहम प्रयास की शुरुआत की है, आशीष खत्री। आशीष खत्री एक ऐसे उत्पाद पर काम कर रहे हैं जो न केवल हमारे आपके पर्यावरण को सुरक्षित करने की तरफ अनूठा कदम है बल्कि हमारी दैनिक जरूरतों को भी जल्द ही पूरा करेगा। दरअसल आशीष आजकल हर तरफ बनाना ट्री पीलिंग मशीन के आविष्कार के लिए जाने जा रहे हैं। ये मशीन केले के पेड़ को रिसाइकल कर कई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती है। 2006 में मैंने स्टेट लेवल कंपटीशन जीता था DST का, उसमें मैंने, क्योंकि केले में के तने में क्या पानी बहुत होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने घर का बेलन और चक्कू यूज़ में लिया था। बट वहाँ पे एक जाकर के पता चला कि वी आर लिविंग 21st सेंचुरी एंड वी वांट टेक्नोलॉजी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक मशीन का डिज़ाइन करा, इसका नाम रखा बनाना ट्री पीलिंग मशीन। बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर चुके आशीष इस प्रोजेक्ट पर लगभग 7 सालों से काम कर रहे हैं। 11वीं कक्षा में उदयपुर में जवाहर जैन स्कूल में पढ़ते हुए इस कल्पना का जन्म हुआ। एक पेड़ जिसकी अहमियत सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा और शादी के मंडप तक थी, और उसके बाद उस चीज को एक वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता था, तो उस एक फेंके हुए पेड़ से आपको वो प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे कि जो शायद नहीं सोच सकते। आशीष का जन्म उदयपुर के हाथीपुर में हुआ। इनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। माता पिता को रोजमर्रा के संघर्ष से जूझते देख ये बड़े हुए। आशीष को अपने माता पिता से काफी लगाव था। बचपन से ही संघर्ष के बीच पलते बढ़ते जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा प्रबल होता गया। माँ अध्यापिका थीं, पर्यावरण पढ़ाती थीं, इसीलिए आशीष का रुझान भी पर्यावरण की तरफ बढ़ता चला गया। बड़ी छोटी सी उम्र से ही ये आसपास चल रहे पर्यावरण अभियान से जुड़े रहे। ना मुझे तो सपनों में उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बालक आज इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएगा। इसने MSc बायोटेक करा और साइंटिस्ट की पोस्ट पे आ गया, फिर राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ ये, तो इसके पापा को और हमको बहुत ही खुशी होती थी। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। आशीष ने अपनी पढ़ाई पूरी की और साइंस एग्जीबिशन में भाग लेने लगे। हर बच्चे का ख्वाब होता है कि परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी ही कुछ आशीष की भी चाहत थी। दिल में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश ने इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई। साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने एक प्रभावशाली इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोजेक्ट बनाया। उनके स्कूल के टीचर के मार्गदर्शन ने उनकी बहुत मदद की।
बेसिकली क्या हुआ कि हर बच्चे का एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के लिए सोचा जाता है, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग हेल्प की जाती है, कुछ ऐसा बनाए इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल कि हमारे नेचर के लिए यूज़फुल रहे। तो बनाना इज़ द वेस्ट मटेरियल, तो उस वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए ही सारा यूज़ बनाया, और स्कूल के टीचर डॉक्टर अनिल पांडे सर ने इसकी हेल्प करी थी। उनका एक मार्गदर्शन था कि अगर हम लोग कुछ ऐसा बनाए कि जो यूज़फुल रहे समाज के लिए, तो इसकी पूरी रूपरेखा मैंने 2004 से शुरू करी थी और आज 2013 तक ये प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए रेडी। बनाना ट्री पीलिंग मशीन, आइए देखते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। जब बनाना का झाड़ इस मशीन में जाता है तो उसके तीन हिस्से हो जाते हैं। इसमें से जो बाहरी हिस्सा निकलता है वो हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाने में काम आता है। बीच की लेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती है। सबसे नीचे की लेयर पेपर इंडस्ट्री में काम आती है। केले के पानी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर और कई तरह की मेडिसिन और इनेमल स्टेरिलाइजेशन की मेडिसिन बनाने में काम आता है। जो अंदर का तना बचता है उसकी कैंडी व अचार बनाया जाता है। जो जड़ बचती है वो एंटी पॉइजन बनाने में काम आती है। केले के पेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। बच्चों के इको फ्रेंडली डायपर सैनिटरी पैड बनाने में इसको काम में लाते हैं। साथ ही केले के भूसे को प्लाईवुड बनाने में भी काम में लाया जाता है। केले का रेशा सिल्क के रेशे के बराबर होता है, जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। पर समस्या ये थी कि इस मशीन को बनाने को कोई तैयार नहीं था। ये उदयपुर के कुछ लोगों की मदद से राजस्थान की पहली पल्प इंडस्ट्री की नींव रखने जा रहे हैं। अब प्रिंट न्यूज में जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल में लिया जाता है वो इस इंडस्ट्री से दिया जाएगा। दरअसल पल्प सेक्टर पर राजस्थान सरकार ने बैन लगा दिया था, क्योंकि पल्प बनाने के लिए 90% पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर सरकार ने बैन लगा दिया था। कोई भी सफर आसान नहीं होता। आशीष के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। बहुत लोगों से मदद की उम्मीद थी पर निराशा ही हाथ लगी। आज इन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ग्रांट के लिए, पेटेंट के लिए और मशीन के पार्ट बनाने के लिए। पर जहां चाह वहां राह। आज आशीष के प्रयास पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति दिला रहा है। ये तब तक इस प्रोजेक्ट को सफल नहीं मानते जब तक हर आदमी इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना ना शुरू कर दे। आशीष को 2006 में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। 2010 में इस प्रोजेक्ट को प्रगति मैदान में 10 दिनों के लिए 14 लाख लोगों के सामने लाया गया, जहां आम लोग इस प्रोजेक्ट से रूबरू हुए। आशीष की सरकार से प्रार्थना है कि इसे सब्सिडाइज किया जाए और आम जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग इस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है और वापस आने के बाद देखिए राजस्थान की एक ऐसी महिला जो आज अपनी काबिलियत से न सिर्फ अपने देश को गौरवान्वित कर रही है बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा रही है। राजस्थान के वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजस्थान के सुपरस्टार्स। भक्ति शर्मा राजस्थान की एक ऐसी महिला जिसके सपनों में सात समुद्र को जीतने के बुलंद हौसले थे। अरब सागर और इंग्लिश चैनल के बाद महासागर को पार करना अब इस महिला तैराक का अगला मकसद है। आइए जानते हैं पानी में रहने वाली इस जलपरी की कहानी। लहरों की महारानी कहें या फिर लिटिल मरमेड, ये खिताब भी इनकी उपलब्धियों के सामने बौने नजर आते हैं। इनका ये जोश देखकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। इनके बुलंद हौसलों की चर्चा आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। उदयपुर की आन बान और शान कहे जाने वाली इस तेजस्विनी का सिक्का आज सात समुन्दर पार भी खूब चल रहा है। तैराकी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि वो जिसे आज दुनिया भर के युवा ब्रिगेड अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं। भक्ति शर्मा, पानी की महारानी का वो नाम जिसकी कला को आज आर्कटिक ओशन से लेकर इंग्लिश चैनल तक सलाम कर रहा है। तैराकी की ये कला भक्ति को उनकी माँ लीना शर्मा से विरासत में मिली, जो खुद भी अपने समय की एक बेहतरीन तैराक रह चुकी हैं। जब हमने स्विमिंग करना चालू किया तब से मम्मी कोच हैं मेरी, उन्होंने ही सिखाया है। और
उस टाइम हम ही दो जाते थे और मतलब मैं और मम्मी स्विमिंग होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग सीख रहे हैं, तो शुरू से मतलब टू मैन टीम रही है। भक्ति जब सिर्फ 2.5 साल की थी तब मैंने उसे स्विमिंग पूल में डाला था, ये सोच के कि एक बच्चे को स्विमिंग सीखना, साइकिल चलाना ये सब आना चाहिए। तब मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतना मुकाम हासिल करेगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका डिटर्मिनेशन देखा, उसका मैंने स्ट्रोक देखे, इतने अच्छे स्ट्रोक थे उसके और स्टेमिना थी उसमें, तो ऐसे करते करते उसने स्टेट लेवल के कई रिकॉर्ड्स बनाए, फिर नेशनल चैम्पियनशिप ली उसने। भक्ति की माँ लीना शर्मा जो खुद एक राष्ट्रीय स्तर की तैराक रह चुकी हैं, उनका सपना था कि वो भी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए इंग्लिश चैनल का सबसे बड़ा मुकाम हासिल करें। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को ढाल बनाया। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर राजस्थान के शहर उदयपुर की गलियों से निकली भक्ति शर्मा ने अपनी तैराकी का सफर सिर्फ 2.5 साल की नन्ही उम्र में ही शुरू किया। अपने तैराकी के शौक को पूरा करने के लिए भक्ति ने दिन रात अभ्यास किया। 8 साल की उम्र में ही भक्ति ने अजमेर की 200 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मंजिल दूर नहीं थी और जीत का स्वाद भी भक्ति ने जल्द ही चखा, जब अपनी दूसरी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने जयपुर से कांस्य पदक हासिल किया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पहली बार मैंने स्टेट लेवल जब खेला था अजमेर में, तब मेरी 200 मीटर की रेस थी और जो स्टैंड पे हम लोग खड़े थे 8 लोग, उनमें से सबसे छोटी हाइट मेरी थी, तो जो टाइम कीपर होता है उन्होंने मम्मी से पूछा था कि अरे इतनी छोटी सी बच्ची है, पूरा करेगी या नहीं करेगी, तो मम्मी ने उनको एक चीज़ बोली थी कि ये मेडल आए ना आए रेस ज़रूर पूरा करेगी। तो वही चीज़ हमेशा से स्विमिंग में फॉलो की है कि पोजिशन मिले ना मिले लेकिन कम्प्लीट करनी है रेस। अपने इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ उन्हें तैराकी के नए मुकाम हासिल होने लगे। भक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि आज वो भारत देश के लिए ऐसा इतिहास रचेंगे जो सिर्फ लोगों के लिए एक सपने जैसा ही होता है। और इन्हीं सपनों से बाहर निकल आज भक्ति दुनिया के 3rd नंबर की ऐसी युवा तैराक बन चुकी हैं जो कई बड़े उपलक्ष्य हासिल कर चुकी हैं, जिनमें वो 8 बार राज्य स्तर और 2 बार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन रह चुकी हैं, जिसका सारा श्रेय वो आज अपने परिवार को देती हैं। देखिए बिना परिवार वालों के सपोर्ट के तो पॉसिबल ही नहीं था, और सपोर्ट से हमेशा ज़्यादा ही मिला है, मतलब हर मोड़ पे एनकरेजमेंट, डायरेक्शन। मुझे सिर्फ पता होता था कि कहाँ जाके स्विम करना है, लेकिन मम्मी ने ही पूरा शेड्यूल किया है कि कहाँ स्विमिंग करना है, कैसे जाना है, ट्रिप कैसे प्लान होगा। तो बिना उनके सपोर्ट और मोटिवेशन के तो मतलब अगर आप इम्पोर्टेंस समझे तो उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तैराकी के साथ साथ भक्ति शर्मा के पड़ाव की अगली मंजिल बनी एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसकी पहली सीढ़ी बनी 27 दिसंबर 2003 में यूरान पोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया तक। 16 किलोमीटर के अरेबियन सी की दूरी को भक्ति ने 4 घंटे में पूरा किया। ये पहला मौका था जब भक्ति ने अपने समुद्री अभियान की शुरुआत की। इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते हुए भक्ति ने धर्मताल से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी को पूरा किया, जिससे उन्हें राजस्थान की पहला महिला तैराक का तमगा हासिल हुआ। इसके बाद वक्त आया मां के अधूरे सपने को पूरा करने का, जिसके लिए भक्ति ने अपनी अगली मंजिल चुनी मिशन इंग्लिश चैनल। 5 जुलाई 2006 इस तारीख को भक्ति कभी नहीं भूल सकती। वो चैनल जिसकी चुनौती माउंट एवरेस्ट को पार करने से कम नहीं है, मगर अपने बुलंद इरादों से भक्ति ने 13 घंटे और 55 मिनट के समय में अपनी तरफ बढ़ती उन खतरनाक लहरों को भी मात दे दी और अपनी माँ के अधूरे ख्वाब को पूरा किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल, नेशनल लेवल के बाद जैसे कि मैंने बताया कि बॉम्बे में जो स्विम किया, उसके बाद इंग्लिश चैनल किया, तो वहाँ जाके जो रिस्पॉन्स मिला लोगों का, क्योंकि इंग्लिश चैनल कहते हैं माउंट एवरेस्ट माना जाता है स्विमिंग का, तो वहाँ जब लोगों को बताया कि मैं चैनल स्विम करने आई हूँ, तो उनका रिएक्शन था कि यू मस्ट बी क्रेजी। तो तब वो एक जो फील आती है कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। मैंने उसके स्टेमिना चेक की तो मेरे जो दिमाग में मेरे खुद के लिए था इंग्लिश चैनल करने का शादी के पहले, वो मैंने एक प्रपोजल रखा भक्ति के सामने कि भक्ति ऐसे इंग्लिश चैनल है और वर्ल्ड में बहुत कम लोगों ने किया है, इंडिया में सिर्फ 7 या 8 ही लेडीज़ ने किया है, तू कर सकती है क्या। उस वक्त हमें कुछ भी मालूम नहीं था इंग्लिश चैनल क्या होता है, कहाँ से करना है, कोई रास्ता नहीं था, एक तरह से हम अंधेरे कुएं में गिरे थे दोनों एक साथ। उसने तुरंत हाँ कर दी और वो दिन है और आज का दिन है, हमारी जर्नी तब से चालू है।
अरब सागर और इंग्लिश चैनल की कामयाबी के बाद भक्ति का अगला मिशन था महासागर और सात समुद्रों को पार करना। भक्ति ने सबसे पहले रुख किया गल्फ ऑफ मेक्सिको का, जहां 25 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को भक्ति ने 10 घंटे में पूरा कर 10वां स्थान पाया। इसके बाद मई 2007 में पैसिफिक ओशन और जून 2007 में अटलांटिक ओशन में गोल्ड मेडल, लेकिन इन सब में से अहम था अगस्त 2010 में आर्कटिक ओशन को पार करना। तैराकी की इस कला ने उन्हें यहाँ भी कामयाबी ही दिलाई। वाटर स्विमिंग जैसा कि समुद्र में स्विम करते हैं आप, तो हर एक स्विम नया होता है, हर एक टाइम नई प्रॉब्लम होती है। कभी वेव्स आपको पीछे पछाड़ देती हैं, कभी करंट्स आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, कभी कुछ काट जाता है पानी में, कभी वहाँ तक पहुँचना ही इतनी बड़ी बात होती है कि वो मुश्किल लगता है। जैसे कि जो लास्ट स्विम था मेरा आर्कटिक ओशन में, वहाँ वो स्विम ऑर्गेनाइज करने में हम लोगों को एक साल लग गया। तो हर एक मोड पे, हर एक स्टेप पे डिफिकल्टीज तो होती हैं। कई छोटे बड़े लक्ष्य हासिल करने वाली भक्ति आज मुंबई में तैराकी के अभ्यास के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। दूसरों के लिए आइडल बन चुकी भक्ति तैराकी के हर मुकाम हासिल कर चुकी हैं। हर सुबह की किरण के साथ उनके इरादे और भी बुलंद होते जा रहे हैं। हमारे इन राजस्थान के सुपरस्टार्स के बारे में जानने और इनकी मदद करने के लिए लॉग ऑन करें rajasthankesuperstars.com पर। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे कुछ और सुपरस्टार्स की अनकही कहानियां। तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान के सुपरस्टार। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर होंडा ड्रीम नियो, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग एफएम।